अभी समय हुआ है दिन के 2:30 PM। सुबह बेटा नाराज होकर स्कूल गया है क्योंकि सुबह उसको सैंडविच लेके जाना था और मैंने बनाया नहीं। तो राधे राधे सभी को, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ सैंडविच बनाने की। तो इसके लिए मैंने पहले एक प्याज छोटा छोटा बारीक कट कर लिया है, साथ में मैंने ली है कैबेज, बंद गोभी लिया है मैंने, इसको भी मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। और उसके बाद मैंने लिया है एक टमाटर। तो आप चाहो तो सब्ज़ी में आप कैरेट भी ले सकते हैं, साथ में कैप्सिकम भी ले सकते हैं। तो मेरे पास है नहीं अभी अवेलेबल, तो मैं ये तीन सब्ज़ियाँ ही कट कर रही हूँ। वैसे बच्चे हैं ना, ज़्यादातर सब्ज़ियाँ खाना पसंद नहीं करते। अगर सैंडविच या पिज़्ज़ा या बर्गर में हम सब्ज़ियाँ डाल देते हैं, अलग से निकाल देते हैं, तो मैंने इनको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया ताकि वो निकाल भी ना पाए और सब्ज़ियाँ उनके अंदर भी जाए, थोड़ा बहुत तो कुछ तो फ़ायदा करेगी। उसके बाद मैंने ले ली है ब्रेड। तो यहाँ पर मैं तीन सैंडविच तो बनाऊँगी चीज़ का, क्योंकि युग को और कुंजिका को चीज़ बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ मिक्स कर ली है और फिर मैंने डाली है मेयोनीज़। आप मैंने वाइट वाली ली है और उसके बाद मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, साथ में थोड़ा ओरिगेनो भी डाल रही हूँ, थोड़ा नमक डालूँगी और केचप, टमाटो केचप भी डालूँगी। और अच्छे से सभी को मिक्स करके, और तीनों ब्रेड हैं इनके ऊपर अच्छा सा मैं इसका पेस्ट जो है हमारी सब्जियों का पेस्ट है वो डाल दूंगी। मैंने इसमें काली मिर्ची डालना भूल गई, आप चाहो तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा पिज़्ज़ा सॉस भी लगा रही हूँ ताकि इनको थोड़ा पिज़्ज़े वाला भी टेस्ट आ जाए और साथ में सैंडविच भी मिल जाए। युग और कुंजिका को कुछ ज़्यादा ही पसंद है पिज़्ज़ा, और वो ब्रेड का पिज़्ज़ा बहुत बनवा के खाते हैं, तो मैंने उन्हीं का टेस्ट ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्की सी सॉस लगा दी है। वैसे भी पिज़्ज़ा सॉस ख़त्म ही हो गई, नया पैकेट लेके आना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे चीज़ की स्लाइस है वो इसके ऊपर रख दी है, और अब मैं सब्जियों का मिक्सर है वो अच्छा सा इसके ऊपर लगा दूंगी और फिर मैं दूसरी ब्रेड इसके ऊपर अच्छे से ढक दूंगी। मैं जहाँ बैठकर ये बना रही हूँ ना सैंडविच, वहाँ पे ऊपर हमारे फाइबर डली हुई है और उसमें से ना धूप, हल्की हल्की धूप आ रही है। मैंने बनाने का प्लान तो बना लिया बाहर बैठ के, लेकिन गर्मी बहुत तेज़ लग रही है। बीच बीच में मैंने कूलर भी चलाया, जब तक गैस नहीं उनकी तब तक मैंने कूलर चला के ही काम किया, पर बहुत पसीने पसीने हो गई मैं आज। और उसके बाद मुझे करना है अपना तवा गर्म कर के, सीधा ही मैंने बटर लगाया तवे पे और फिर मैंने अपना सैंडविच रख दिया, और दोनों तरफ बटर लगा के मैं अच्छे से दबा दबा के सेक लूँगी ताकि ये चिपक भी जाए और अंदर जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाए। अभी बच्चे आने वाले हैं बस कुछ देर के बाद ही, तो उनसे पहले मैं उनके लिए सरप्राइज़ रेडी कर रही हूँ ताकि उनके आने से पहले मैं सारा तामझाम ख़त्म कर लूँ और उनको बोलूँगी तो ये कि तुम्हारे लिए बनाया नहीं, और फिर मैं उनको सरप्राइज़ दूँगी। उसके बाद लो फटाफट मुझे अब बस सेकने का काम है क्योंकि चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी है। 3 बजे डांस टीचर को भी आना है तो मुझे फटाफट सारे फटाफट सेकने हैं। तो वैसे तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया है, अब बस मुझे सेकने का काम है, ये जल्दी हो जाएगा। प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, सेकने में तो कहाँ टाइम लगेगा। और ये लो मेरे सब कुछ रेडी हो गए। कमेंट करके ज़रूर बताना आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं, कौन से देश से बोल रहे हैं। और हाँ जी, एक चीज़ और, मैंने ना आज नई ड्रेस पहनी है, उस पर भी कमेंट करना कैसी लग रही है मेरी नई ड्रेस। अच्छी लग रही है ना, मुझे ये ड्रेस बहुत प्यारी है, मैं कभी कभार पहनती हूँ, ये मेरी मम्मी ने मुझे दी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इसको पहनती हूँ। कहते हैं ना अपनी मम्मी की याद आ ही जाती है। मम्मी को वैसे मैंने बोल रखा है ये वाली ड्रेस 3-4 और तैयार कर दे ताकि दिवाली तक तैयार हो जाएंगी, तो फिर मैं पहनूंगी। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। लव यू ऑल।